देखते हैं नाइन्टी नाइंटी का सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को क्या करते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो आपका ये एलसीएम लिए क्या फॉर्म आ गया टू मल्टीप्लाई थ्री पे पावर टू मीन्स थ्री टू टाइम्स है एंड मल्टीप्लाई फाइव फाइव वन टाइम्स है क्लियरली नन ऑफ टू थ्री एंड फाइव इज़ अ फैक्टर ऑफ सेवनटीन अब इसमें हम लोग देखते हैं जो टू थ्री फाइव इज अ फैक्टर ऑफ सेवनटीन मीन्स नहीं है टू थ्री फाइव सेवेंटीन का फैक्टर नहीं है ओके देयरफोर सेवनटीन बाई नाइन्टी इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स सेवनटीन बाई नाइन्टीन ही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा ऑल्सो नाइन्टी इक्वल टू टू मल्टीप्लाई थ्री पे पावर टू मल्टीप्लाई फाइव इज नॉट इक्वल टू टू पे पावर एम मल्टीप्लाई फाइव पे पावर एन यहाँ क्या है बीच में आपका थ्री पे पावर टू है तो इसके फॉर्म में नहीं है सो सेवनटीन बाई नाइन्टी इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ओके नाउ एग्जाम्पल नंबर टू फोर्टीन फोर्टी वन बाई थाउजेंड फोर्टी वन बाई थाउजेंड थाउजेंड का हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेते हैं एलसीएम लिए क्या आ गया थाउजेंड का टू पे पावर थ्री मल्टीप्लाई फाइव पे पावर थ्री मीन्स टू थ्री टाइम्स एंड फाइव थ्री टाइम्स क्लियरली नन ऑफ टू एंड फाइव इज़ अ फैक्टर ऑफ फोर्टी वन मीन्स टू एंड फाइव जो है वो फैक्टर नहीं है किसका फोर्टी वन का सो द गिवन नंबर इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म वही रहेगा नाउ थाउजेंड टू पे पावर थ्री मल्टीप्लाई फाइव पे पावर थ्री टू पे पावर थ्री एंड फाइव पे फाइव पे पावर थ्री विच इज ऑफ द फॉर्म टू पे पावर एम मल्टीप्लाई फाइव पे पावर एन वेयर एम इक्वल टू थ्री एंड एन इक्वल टू थ्री इसमें दोनों टर्म मीन्स आपका फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों में पावर क्या है सेम है तो सो द गिवन नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है एंड फोर्टी वन बाई थाउजेंड इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फोर वन इसका सॉल्यूशन हो गया तो यह हमारा कौन सा है टर्मिनेटिंग डेसिमल है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेस जीरो पॉइंट सिक्स एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म इसको क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में